हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसकी कंडीशन अभी ये चल रही है, नंगा नहाएगा क्या, निचड़ोगा क्या। ऐसे में इंडिया की जो सुखद खबरें पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तानियों के हो जाता सब। तो पाकिस्तानियों को लगती है जबरदस्त वाली मिर्ची। इस बार वाली तगड़ी मिर्ची लगी है पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन रमेश राजा को। रमेश राजा को आप सब लोग जानते हैं, वो पहले क्रिकेटर थे, बाद में बहुत कमेंट्री भी करी, और जो क्रिकेट लवर है वो अच्छी तरीके से रमेश राजा को जानते हैं। सही बात है। मामला ये हुआ कि ICCI IPL को खेलने के लिए 1.5 महीने की एक विंडो देता था, वो BCCI ने अपनी दादागिरी से 2.5 महीने तक करवा ली, यानी कि 2.5 महीने तक इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। ऐसे में पूरी दुनिया के खिलाड़ी IPL में आके खेलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक वाहिद मुल्क ऐसा भी है उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। रमेश राजा ने कहा हम IPL को बर्बाद कर देंगे, इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि IPL को इतना समय मिले। उसका रीजन साफ है, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिकेट खेलेगी तो 2.5 महीने तक ये पाकिस्तानी बैठ के ताली बजाएंगे, क्योंकि कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। IPL में इनको खिलाएंगे नहीं, क्या करेंगे बेचारे, तड़फेंगे। ऐसा ही हाल इन पाकिस्तान मीडिया वालों का है। जनाब खबर ये है जो आप सबके इल्म में दोहरा देता हूँ कि इंडियन 23,575 करोड़, यानी कि ऐसा ये फिगर है, इसको पढ़ते हुए भी अजीब लग रहा है कि 23,000 करोड़ भी होते हैं शायद। और 57.5 करोड़ पर मैच का IPL का एक मैच बिका है 2023 से 2027 तक। विक्रांत भाई ये क्या IPL को कहाँ लेके जा रहे हैं, एक बॉल 50 लाख रुपए की पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की। जली ना तेरी भी जली ना। 57 करोड़ टीवी राइट के सिर्फ, उसके बाद 50 करोड़ पर मैच के राइट्स हैं डिजिटल, 33.24 करोड़ के राइट जो है वो हैं फिर ग्लोबल टीवी राइट्स, उसके बाद भी सिर्फ बात खत्म नहीं होती। 2.6 करोड़ जो है वो अमेरिका यूएस जहाँ क्रिकेट नहीं भी देखी जाती, वहाँ के डिजिटल 2.6 करोड़ में वो भी बिक गया। जो मर्जी कहिए आप, IPL हारता नहीं है, टीमें कोई जीते कुछ हो, IPL नहीं हारता, IPL जीतने के लिए ही बना है। और इसी मुद्दे पे हमारी पाकिस्तानी पत्रकार है रिबा इमरान, वो गई है पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए कि पाकिस्तानी आवाम इस मुद्दे पे क्या सोचती है। जैसे कि आप सबको पता है ICCI के हेड रमीज राजा का ये स्टेटमेंट सामने आया कि उनका कहना ये था कि वो IPL को और ग्रो नहीं होने देंगे, इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर राय जानते हैं। और मैं भी आपके साथ ये वीडियो देखूंगा, और उन लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है जो मुझे बार बार कमेंट करके कहते हैं कि भाई मीम कम डाला करो, मीम कम डाला करो। तो ये क्रिकेट पे वीडियो है तो इसमें मीम कम से कम ही यूज किए जाएंगे। सबका ख्याल रखता हूँ, एक कमेंट मेरे लिए भी कर देना। अरे आप अपना काम करो ना भाई। IPL को ज्यादा ग्रो होने नहीं देंगे, आप रमीज राजा की स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं तो फिर इंटरनेशनल जो मतलब जो भी क्रिकेटर हो, मैं तो कहती हूँ आर्टिस्ट भी हो, तो उसके लिए कोई इस तरह से कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह से कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि उससे बाहर जाके नहीं खेल सकते हैं, उसके अंदर रह के खेलना है। तो अभी के लिए उन्होंने ये जो किया है, आई थिंक मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा आगे इस तरह से नहीं करना चाहिए, पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेटर होते हैं इतनी मुश्किल से क्रिकेटर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मौका देना चाहिए उनको वहाँ खेलने का, और उधर वाले जो प्लेयर हैं वो यहाँ आए, क्योंकि स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब मैच पड़ता है तो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, वो एक जंग की तरह हम लोग उसे देखते हैं, तो वो वाली जो चीज़ें ना वो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जब मैच देखते हैं एंटरटेनमेंट होती है। सो आई थिंक लोगों को जो है ना वो मौका मिलना चाहिए इंजॉय करने का। इंजॉय तो हम आपको बिल्कुल करा देंगे, लेकिन जब तक आपके आतंकवादी को आप इंजॉय नहीं करवाएंगे ना, जब तक हम आप लोगों को भी इंजॉय नहीं करवा सकते। आई एम सॉरी मैडम, और आप अभिनेत्री है और इंजॉय कराने का काम आपका है, हमारा नहीं। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके मकसद उनके माइंड में क्या था वो कोई और हो सकता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। अगर देखें उनका माइंडसेट ये था कि इंडिया हमारी PSL को डिग्रेड करता है किसी भी तरह से, प्लेयर्स जो इंटरनेशनल हैं उन्हें नहीं आने देता, उसको हर्डल बनता है रास्ते में, अगर वो ऐसे हैं तो अगर हम भी उनकी तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो हमारे और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। इस मासूम पाकिस्तानी को ये पता नहीं है BCCI अगर अपनी औकात पे आ जाए ना तो PSL में एक भी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं जा पाए। पता नहीं पाकिस्तानी कौन से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। हमारी मायूसी का आलम यह है कि हमारे सीनियर इतने जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है वो मायूसी में आकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, खुशी से तो नहीं दे रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं बैकग्राउंड में, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौके नहीं दिया गया, बाहर के प्लेयर सिर्फ रेटिंग के चक्कर में गए, हमारी रेटिंग आएगी पैसे आएंगे, वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए फ़नकार की इज्जत नहीं की जा रही, मतलब कि खिलाड़ी भी फ़नकार ही हुआ ना, तो जिसने आलमी सतह पर हमें रोशन किया है अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो हमारे मुल्क समझ लें ये भी दिवालिया ही है।
फिनांस के लिहाज से भी देख लें, वैसे हमारी क्रिकेट के लिहाज से भी, अगर रमेश राजा ये कह रहा है तो एक आम जो प्लेयर है वो उसकी क्या मोटिवेशन रह गई होगी खेल के हवाले से। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं, कमाल है भाई, कमाल है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आई एम फ्रॉम कनाडा, तो देखें मतलब इसकी शक्ल देख के लगता है कि आप कोई कनाडा वाला है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई बोरिया उठा के अभी अभी ट्रक पे छोड़ के आया है। ये जो स्पोर्ट्स होती है ना उसमें इंडिया पाकिस्तान को नहीं लाना चाहिए, ये बहुत ही, जब हम कनाडा में बैठ के हम कोई मैचेस देखते हैं तो हमें बड़ा एक अजीब सा होता है कि बीइंग पाकिस्तानी हम उसको नहीं देख रहे होते, हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग लग जाती है जिसको पर्सनल लिया जाता है, जिसको ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको एज अ स्पोर्ट्स लिया जाए, इसको एज अ पर्सनली ना लिया जाए। जो बंदी ने सवाल पूछा है उसका जवाब तो दिया नहीं, गोल 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 घुमा दिया। बिल्कुल आपने कहा कि हमें एज अ पर्सनली ग्रज की नहीं निकालना चाहिए, मतलब इसको अपने पर्सनल चीज़ों को साइड पे रख के ही गेम्स खेलनी चाहिए, गेम्स तो गेम्स होती हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने अपनी जेलसी में आके और इस तरह की स्टेटमेंट पास की है क्योंकि आईपीएल ने इस बार पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं खिलाया, क्या कहना चाहेंगे? रिबा जी आपका सवाल ही गलत है, इस बार नहीं खिलाया, 14 साल से नहीं खिला रहे, सिर्फ एक ही बार पाकिस्तानी प्लेयर को खिलाया था जब आईपीएल चालू हुआ था। ठीक है रिबा जी, ठीक है, ठीक है सुरैया जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको वही अर्ज कर चुका हूँ कि कान इधर से खींचो या इधर से खींचो, बात एक ही है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। अब मैं हूँ, मैं इंडिया के साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड में भी काम करता हूँ, मैं हॉलीवुड में भी काम करता हूँ, तो हम वहाँ पे हमारा माइंड ये मेंशन किया जाता है वी आर इक्वल्स, राइट? हम अगर कनेडियन हैं, हम अगर अमेरिकन हैं, हम अगर इंडियंस हैं, हम अगर पाकिस्तानी हैं, वी आर इक्वल्स, राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ज़्यादा देखी है कि जेलसी और ये नहीं होनी चाहिए, इसको एज अ गेम लिया जाए। हाँ उनकी भी गलती है और गलती है इनकी भी है, तो रमीज राजा साहब ने जो ये बात की है मेरा ख्याल है ये कुछ सही नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगे। सही बात है भाई, सही बात है, एटलीस्ट बंदे ने ये तो मेंशन किया कि हाँ भाई रमीज राजा की गलती है। जहाँ पर खेल आ जाता है तो फिर हमें इस तरह पर्सनल जो है ग्रजेस नहीं निकालने चाहिए। बाकी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं खुद भी पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा मायरा ये बताइएगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की कि वो आईपीएल को जो है आने वाले टाइम में ग्रो नहीं होने देंगे, तो मतलब उसकी एक रीज़न ये भी थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस बार उन्होंने आईपीएल में नहीं खिलाया इस वजह से, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया। आप क्या कहना चाहेंगी रमीज राजा की ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए? रिवाजी इस बार नहीं, एक बार को छोड़ के आईपीएल में कभी भी नहीं खिलाया। कितनी बार समझाऊं आपको मैं? देखिए मैं तो ये कहूंगी कि अगर किसी का रवैया बुरा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके रवैये के हिसाब से उसके साथ सलूक करें, आप अपनी तरबियत के हिसाब से सलूक करें उसके साथ, यानी कि आप अपने अच्छेपन का मुजाहरा करें, आप दिखाएं कि अगर आप इतने आपने हमारे प्लेयर्स के साथ ये सलूक किया है तो हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम भी आपके वाला रवैया अपनाएंगे, हम आपको वेलकम करेंगे और जो है हम आपके साथ खेलेंगे। हम नहीं खेलेंगे, यहाँ पे सिर्फ आमदनी का प्रॉब्लम है जिसके लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यार ये आदमी क्या है, ये बेचारी क्रिकेट पे बात करना चाह रही है और ये महंगाई पे लेके बैठ गया है, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। पीसीबी की जो हालात हैं और जो इकोनॉमी के क्राइसिस चल रहे हैं, आप इस पूरे सिनेरियो में देखते हुए क्या कहेंगी कि हमारे प्लेयर्स जिस तरह खेल रहे हैं और इंडिया के प्लेयर्स में आप क्या डिफरेंस फील कर रही है कि वो आज उस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, आईपीएल उनकी बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए आईपीएल अगर है ठीक है ग्रो कर रही है, लेकिन पीएसएल भी तो कर रहा है। जो पीएसएल हुआ है वो तो मैं कहती हूँ, मैं खुद भी गई थी मैच देखने के लिए और ज़बरदस्त माशाल्लाह क्राउड था और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने सारा इंतज़ाम किया हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त था और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, हम लोग माशाल्लाह मनवा चुके हैं, पूरी दुनिया में अपना आप मनवा चुके हैं। वो टीमें जो यहाँ पे आना पसंद नहीं करती थी वो सब पाकिस्तान में आ रही हैं और बाकायदा ये कह जाती हैं कि हमारी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में आके। सो आई थिंक हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ये मैडम पता नहीं कौन से खाबो ख्यालों में जो इनको पीएसएल सुपर हिट लगा है। भाई तुम्हारे पास में खिलाड़ी कौन से आते हैं, तुम्हें ये भी पता है कि जो भी बाहर से आते हैं वो खिलाड़ी या तो रिटायर्ड हट होते हैं या तो उनको टीम में नहीं खिलाते हैं या उन्होंने दो दो चार चार इंटरनेशनल मैच खेले होते हैं ठंडे बासी बुझे हुए प्लेयर्स के साथ, तुम्हारा पीएसएल खेलते हो और फिर बड़े चौड़े होकर घूमते हो। सही है,
मायरा ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की क्राइसिस है, जो बजट वगैरह है, मतलब पीसीबी का जो बजट है, जो प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसका कंपैरिजन आज हम आईपीएल यानी कि इंडिया के प्लेयर्स के साथ करेंगे, तो आप क्या फ़र्क फील कर रही हैं, क्या डिफरेंस फील कर रही हैं? देखें, अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे तो हमारे पूरे मुल्क में इस वक्त जो हालात है ना, अनप्रडिक्टेबल से हुए हैं, हमें खुद नहीं समझ आ रही कि क्या आवाम जो है आपके सामने है, हुकूमत है, मतलब हर बंदा यहाँ पे है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगले लम्हे का नहीं पता कि क्या होना है, तो क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हालात जो आने वाले आगे हैं वो बेहतर, तो क्रिकेट में भी बेहतरी आ जाएगी। क्या बात है, सच जुबान पे आएगी कि भाई तुम मरे हुए हो और अपनी हरकतों की वजह से मरे हुए हो, तुमको कोई नहीं मार रहा, तुम खुद मर रहे हो। देखिए, मेरा स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं एज एन एक्टर हूँ, मैं पूरी सरहदों में काम करता हूँ, बॉलीवुड भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ। जो स्पोर्ट्स है उसमें अगर रमीज़ राजा साहब ने ये बात की है तो ये गलत की और बहुत हल्की की है। बंदे ने क्लियर बोल दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, और अगले ने बात सुनी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अगर यही बात सबसे पहले बोल देता तो हम इसको आखिरी में नहीं लेके आते, लेकिन अब इसने कर दिया तो अब ठीक है, लेकिन इसको आगे ना आप बर्दाश्त कर सकते हो ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो इसको भी कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अपने सीनियर आदमी को थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए, समझाना चाहिए, मामलात होते हैं ऐसे, तो इनको बताना चाहिए कि कुछ अच्छे स्टेप लें ताकि हमारे प्लेयर्स जो मोस्टली स्ट्रीट टैलेंट जो है ना हमारा, वो दब गया है। इंडिया में देख लें, उनको स्ट्रीट टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, वैसे भी शोबिज़ में देख लें या उन खेल के मैदान में देख रहे हैं, हमारा मोस्टली मसला ये है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रीट टैलेंट है वो बहुत दबा हुआ है। बंदे की उम्र कम लग रही है लेकिन इसकी बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, और इंतहाई मेहनती तबका होता है वो, बहुत ज़्यादा उन्होंने फेस ज़्यादा चीज़ें की होती हैं। और जैसे लाहौर में है, मैं आया हूँ एक मुज़ाफ़ात से, जैसे बुरेवाला से हूँ मैं बुरेवाला से आया हूँ, वहाँ ऐसा कोई आर्ट काउंसिल ही नहीं है, वहाँ आर्ट को प्रमोट करने की कोई जगह ही नहीं है, हम कहाँ जाएँ परफॉर्म करने के लिए? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी वो बराए नाम जो सर सालाना इवेंट हो गया तो हो गया, उसमें भी कोई इतना ख़ास काम नहीं है, तो मुझे स्पेशल अपने काम करने के लिए लाहौर आना पड़ा है। ठीक है, तो ये जब तक हम वसाइल को हम वाकई छोटी सतह पर नहीं लेके जाएंगे तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती किसी भी मैदान में। तो सर ये बताइएगा कि पीसीबी के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसका कंपैरिजन अगर हम इंडिया के साथ करें तो हमारे जो क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है, तो आप हम इसका इन सारे बजट्स का जो हम अपने प्लेयर्स पे बजट लगाते हैं उसका कंपैरिजन हम इंडिया के साथ करें, आईपीएल के साथ करें, तो क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन तब करें जब हम उन जैसे हों, मतलब कि हमारे यहाँ तो मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, मतलब कि कहीं मेरिट है ही नहीं, जब तक मेरिट नहीं होगा हम कहीं आगे जा ही नहीं सकते, वो भी हमसे इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है, उनके हालात भी हम जैसे ही हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ थोड़े से अच्छे होंगे, उनके यहाँ भी यही मामलात हैं अंदर के जो हमारे हैं, क्योंकि हम इकट्ठे रहे हैं, हम सब वो पुरानी रस्में हमारी इकट्ठी हैं, दो नंबरी वहाँ भी हो रही है, करप्शन वहाँ भी होती है, करप्शन वहाँ भी हो रही है, तो फिर उनकी स्पोर्ट्स थोड़ा सा आ गया है, तो उनकी स्पोर्ट्स इतनी आगे क्यों जा रही है? पता नहीं, मैं वहाँ के मामला तो कितनी अच्छी तरह से देखता नहीं। आप इस तरह के इतनी हाई, जिस तरह हमारे रमीज राजा ने स्टेटमेंट पास किया, उस तरह के स्टेटमेंट्स आप भी किसी फैक्ट्स के बगैर बयान कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो एक राय दे रहा हूँ, मेरा इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, मैं तो अपनी एक राय दे सकता हूँ, हो सकता है गलत भी हो, मैं तो ये नहीं कहता कि मेरी बात मान ली जाए। अब रमीज राजा कुछ कह रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जो उसने बात की है वो ठीक है, लग रहा है कुछ ऐसा बड़ा है उसने देखा तो इतनी बड़ी बात की, कहा है कि आईपीएल को मैं ग्रो होने नहीं दूंगा, ये तो मतलब एक अनऑथेंटिक बात हो गई ना, ये मतलब जेलेसी में आके बात कर ली, पसे पड़ता बहुत कुछ हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ कहा है, वो रोक भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, नहीं रोक सकते भाई, नहीं रोक सकते। तुमने पाकिस्तानियों ने क्या पहले कम कोशिश की है कि आईपीएल को बर्बाद किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, कितनी साजिशें तुम पहले कर चुके हो, लेकिन हर बार पाकिस्तानियों ने मुंह की खाई है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी है, तो ये आप गलतफहमी आप निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुमको ये भी नहीं पता होगा आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लीग बन चुका है, 44,000 करोड़ में उनके राइट्स बिके हैं। किसान का जो पीएसएल है और इंडिया का जो आईपीएल है, दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या कैसे देखते हैं? इंडिया के पास बड़ी स्क्रीन है, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं और वो उनको लगाना आते हैं, हमारे पास
लास्ट टाइम वैसे इन्होंने अच्छा किया था, लेकिन ये कुछ खामियां ये थी कि अपने टैलेंट को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सके, बिजनेस के चक्कर में आ गए हैं। तो वो बिजनेस भी करते हैं और साथ अपना टैलेंट भी प्रमोट करते हैं हम इंडिया में। हाँ, हमारे अभी आप तो अभी तो आप कह रहे थे हमारे उनके हालात भी हमारे जैसे हैं, लेकिन बेहतर है हमसे कुछ दर्जे, ये कह लें, लेकिन इतने ज़्यादा वो भी पाक साफ नहीं है मुझे लगता। तो वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक की राय आपने देख ली है, और आपके विचार जो भी है वो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि आपके कमेंट इंडियन ही नहीं पढ़ते, पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग पढ़ते हैं, पता आपको नहीं पता होगा मैं बोल रहा हूँ। तो कमेंट्स अच्छे से किया कीजिए, और दो चीज़ों का ध्यान रखिए, आज आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूँगा मैं, एक तो हैशटैग मत लगाइए बिल्कुल भी, और दूसरा गाली गलौज माँ बहन समझ जाओ आप, वो वाली गालियाँ बिल्कुल यूज मत कीजिए। यूट्यूब ने अपने फिल्टर इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए, आप अगर हैशटैग लगाएंगे गाली गलौज करेंगे वो सारे कमेंट्स सीधा स्पैम में चले जाएंगे, वो आपको नजर तो आएंगे लेकिन वो दुनिया को नजर नहीं आएंगे, तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि यूट्यूब हैशटैग को कमेंट्स में प्रमोट नहीं करता है, और गाली गलौज तो वैसे भी नहीं करता। और बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम की आईडी पूछ रहे थे, तो मैंने लिंक मेंशन कर दिया है अपना, जाइए देखिए और फॉलो कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक फ्री रिलेटेड वीडियो बात रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।